वाराणसी में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रमाशंकर सिंह पटेल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इंडिया गठबंधन से बौखलाई हुई है, इसलिए संजय सिंह को जेल में बंद किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि संजय सिंह द्वारा जेल में लिखे गए क्रांतिकारी पत्र को हम सभी कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। अपना परिचय दें आप। मैं काशी प्रांत का अध्यक्ष पवन तिवारी, आम आदमी पार्टी। ये जो प्रेस वार्ता हो रही है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, मोदी सरकार की बौखलाहट की वजह से आम आदमी पार्टी के यूपी के प्रभारी सांसद राज्यसभा श्री संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है। वो मूल रूप से केवल बौखलाहट है और बिना किसी सम्मन के किसी की गिरफ्तारी हो जा रही है, वो भी राज्यसभा का सांसद ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा दल के सभापति हैं। 10 सांसद उनके अंतर्गत आम आदमी पार्टी के लीडरशिप हैं राज्यसभा में, और उनको बिना नोटिस के गिरफ्तार कर ले रही, तो ये तो लोकतंत्र में हत्या है संविधान की। असंवैधानिक तरीके से बिना किसी नोटिस सम्मन के किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। संजय सिंह जी की गिरफ्तारी यह बताती है कि मोदी सरकार की हार की बौखलाहट है। क्वेश्चन करोगे? बोलो। संजय सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसको क्या मानते हैं आप? संजय सिंह जी के ऊपर अभी कोई आरोप लगाई नहीं, तो मढ़ा गया है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 8 दिन रिमांड पे रखा गया और 2 घंटे की पूछताछ हुई। उसमें भी ये पूछताछ हुई कि पिताजी का 1,00,000 रुपया आपने किसको दे दिया। एक बीमार लड़की आप लोग देखे होंगे कि उसको एक इंजेक्शन शायद करोड़ों का लगता था, ऐसी कोई बीमारी है। इसमें सबसे सांसद संजय सिंह जी अपील किए थे और खुद उनके पिताजी टीचर हैं, उनसे 1,00,000 रुपए मांगा और उसको चंदा दिया। वो पूछताछ का कोई हिस्सा हो सकता है? शराब घोटाला अगर तथाकथित शराब घोटाला है तो उसके बारे में इनके पास कुछ नहीं। और वो अभियुक्त जो अभी तक जेल की सलाखों में था, जिसको जमानत दे दी गई और उसी को सरकारी गवाह बनाया गया, और उसके पहले लगातार उससे ईडी ने 14 बार पूछताछ की उस अभियुक्त से, उस तथाकथित शराब घोटाले के अभियुक्त से, उसने एक भाग भी संजय सिंह का नाम नहीं लिया। और अब ईडी उससे उसको सरकारी गवाह बना करके अब उसका नाम लिवाए जेल से। उन्होंने ये संदेश लिखा है कि क्योंकि मैं देश की आवाज बन गया था, हर गरीब हर अंत्योदयी आदमी की आवाज को मैं उठा रहा था सरकार के खिलाफ, और विशेष रूप से अडानी के खिलाफ जो उन्होंने खुलासा किया। ईडी से उन्होंने ये मांग की कि ईडी अडानी के घोटाले का पर्दाफाश किया करे, वो जबकि मोदी की चूंकि गिरफ्तारी में मोदी के अंदर में अडानी फूल फल रहे हैं, इसलिए अडानी की गिरफ्तारी नहीं हुई, संजय सिंह जी की ही गिरफ्तारी हुई। इसलिए एक शेर है कि यूं फंस जाओगे हाकिम से शिकायत करके, वह भी जालिम का तरफदार है खामोश रहो, वह भी मोदी का तरफदार है। इसलिए जनतंत्र में हिटलर शाही का ये शुरुआत है, और दोबारा जनता ने मोदी को विकास के नाम पर वोट दिया था। मोदी ने धर्म और जात के झगड़े में देश की जनता को फंसा करके अडानी को पूरे देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपया लुटवाया है, उसी के खिलाफ संजय सिंह बोल रहे थे जो उन्होंने उनकी गिरफ्तारी करा दी मोदी ने। क्या लाभ मिल सकता है देशवासियों को इससे? देशवासियों को सच्चाई का पता चले, क्योंकि देश की जनता जागे, और जगाने के लिए यह पत्र मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए एक आदमी अडानी को आप लुटवा रहे हो अपने दोस्त को, देश बर्बाद हो रहा है, दोस्त खुशहाल हो रहा है, इस पत्र में
इस पत्र के माध्यम से जब जनता जागेगी तो उसको लगेगा कि दवाई के टैक्स, दवाई पर, कैंसर पर टैक्स लग रहा है, 200 दवाओं पर सरकार ने टैक्स लगा दिया, बच्चों के दूध पर टैक्स लगा दिया, दाल आटा चावल पर, यानी ब्रिटानिया हुकूमत से भी 10 गुना सरकार टैक्स लगाती जा रही है और जनता गरीब गरीब हो रहा है। अमीर को और अमीर बनाने का ये जो सपना मोदी ने देखा है, इस सपने को सच नहीं होने देंगे। संजय सिंह, उनका पत्र, उनका जेल से लिखा हुआ पत्र वो क्रांतिकारी पत्र है जो निश्चित है कि 2024 में मोदी सरकार का बोरिया बिस्तर बनेगा। क्या